एक टाइम था जब जेबीएल एक स्टेटमेंट हुआ करता था, एंड अगर किसी को प्रोडक्ट लेना होता तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जेबीएल ही रिकमेंड करते। बट आज की जो मार्केट है वो काफी क्राउडेड हो चुकी है, ईयरबड्स, TWS, ढेरों सारे प्रोडक्ट आपको देखने मिलते हैं, तो उस बीच जेबीएल कितना स्टैंड आउट कर पाते हैं वो हम आज चेकआउट करेंगे। तो वो चेकआउट करने के लिए हमने लिए हैं जेबीएल के 235NC। करीबन 6 महीने पहले इनको हमने अनबॉक्स किया था एंड आप लोग का ओवरऑल काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो ये अभी 4000 रुपए के अंदर मिल रहे हैं एंड अगर आप उस बजट में जाएंगे तो आपको रियलमी जैसे ब्रांड देखने मिल जाएंगे। रियलमी है, CMF है, वन प्लस के कपल ऑफ बर्ड्स अवेलेबल हैं एंड इवन दो आप ओप्पो की तरफ भी देख सकते हैं। बट क्या वैल्यू है इन ईयरफोन्स की। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड क्वालिटी काफी प्रैक्टिकल सोच के जेबीएल ने प्रोडक्ट निकाला है एंड आपको एक सूटकेस लुकिंग ईयरबड्स केस देखने मिल जाता है जहां पे बड़ी ब्रांडिंग की गई है। 3 LED इंडिकेटर है प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से। बॉटम पे बैक साइड में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है एंड प्रोडक्ट की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। क्रैच मिनिमल आएंगे बिकॉज ऑफ द मैट फिनिश एंड ये जो डिजाइन है बेल्ट है लॉन्ग टाइम के बाद भी फेड नहीं हो रही क्योंकि बने ही इस टाइप से हैं। स्टैम काफी बड़ी आपको देखने मिलती है, वहां पे भी जेबीएल ने अपनी ब्रांडिंग की है। दोनों जो बर्ड्स हैं वो आपको अगेन सेम फिनिश में देखने मिल जाएंगे एज योर केस एंड लाइक 90-95% लोगों की कान में आराम से फिट भी हो जाते हैं। साथ साथ आपको एक्स्ट्रा ATF भी देगी जो आप चेंज कर सकते हैं बाय द टाइम अगर आपको कंफर्टेबल ये नहीं लग रहे हैं। बट IPX4 की रेटिंग आपको मिलती है जो कंपेटिटर IP55 तक आपको रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। मैं इनको 4 घंटे आराम से यूज कर सकता हूँ, कंफर्टेबल है डेफिनेटली एंड लाइक आई सेड अर्लियर प्रैक्टिकल चीज के हिसाब से इनको बनाया गया है। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग किसी भी ईयरफोन्स के लिए वो है साउंड। यहाँ पे जेबीएल ने अपना साउंड सिग्नेचर यूज किया विद 6mm ऑडियो ड्राइवर्स। कंपेटिटर की बात करें, रियल में आपको डुअल ड्राइवर देता है, वन प्लस आपको डुअल ड्राइवर देता है, ओप्पो में आपको सिंगल ड्राइवर मिलता है, बट साउंड क्वालिटी ओसो मिलती है। क्या ये 6mm के ड्राइवर उन ब्रांड से कम्पीट कर सकते हैं वो हम लेटर ऑन वीडियो में फिगर आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऑडियो की बात आती है, 6mm के ड्राइवर आप इस टाइप से समझ सकते हैं जो म्यूजिक डुअल ड्राइवर वाले प्रोडक्ट लाइक रियलमी, वन प्लस हैंडल करने में स्ट्रगल कर रहे थे, क्लैरिटी उतना अच्छा नहीं दे पा रहे थे एंड एक म्यूजिक का ऑलमोस्ट कचरा कर दिया उन दोनों ईयरबड्स ने, तो वो म्यूजिक ये थोड़ा सा बेटर हैंडल कर पा रहे हैं विद 6mm ऑडियो ड्राइवर्स। तो ड्राइवर साइज पे चीजें डिपेंड ना हो के ओवरऑल म्यूजिक प्रोसेसिंग पे चीजें और ज्यादा डिपेंड होती है किस टाइप से म्यूजिक प्रोसेस किया गया। सो JBL does its job very well and आपको यहाँ पे इक्वलाइजर मिलता है, आप प्रीसेट्स में से चूज कर सकते हैं या फिर अपना ओन कस्टम इक्वलाइजर सेट कर सकते हैं जो फ्रीडम मिलते हैं। बट इनिशियली यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी जो मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम पे बताया था कनेक्टिविटी को लेके, बट बाय द टाइम JBL ने अपडेट रिलीज किया, मैंने अपडेट किया इनको, जो प्रॉब्लम थी लाइक 100% नहीं 75% सोल्व हो गई है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग विद नेक्स्ट अपडेट वो प्रॉब्लम 90% और 100% भी सोल्व हो जाए। सो यहाँ पे 5.2 की कनेक्टिविटी रखी गई, फास्ट पेयरिंग आपको मिलता है, सिंगल पेयरिंग है ऑफकोर्स, ना आपको इन ईयर डिटेक्शन मिलता ना आपको डुअल पेयरिंग मिलती, ANC आपको मिल जाता है बेसिक लेवल की, बट जो बेसिक लेवल ANC है वो यहाँ पे वेरी वेल ट्यून्ड है, आपको बेस्ट तो नहीं बट या मॉडरेट एक्सपीरियंस दे सकती है। नॉइस को 70% तक ये कैंसिल आउट कर सकता है बैकग्राउंड नॉइस को, अगर आप नॉइस के बिल्कुल ऊपर बैठेंगे तो भाई वो कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा या बट मोस्ट बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल कर लेता है इजिली। साथ साथ एक एडिशनल फीचर मिलता है टॉक थ्रू मोड का, इट्स लाइक सैमसंग बट वो वहां पे ऑटोमेटिकली वर्क करता है, यहाँ पे आपको टच कंट्रोल से या फिर ऐप से इनेबल करना पड़ेगा एंड लेट मी एक्सप्लेन द फीचर। अगर आप बात करें कम्युनिकेट करें किसी से तो आपको एक एक करके वॉल्यूम डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट स्टेप वन एंड टॉक थ्रू मोड इनेबल तो आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग ऑफ योर ईयरबड्स। तो बेसिक पर्पज तो ये, बट एज आई सेड सैमसंग में फीचर बेटर है, अच्छा वर्क करता है, वहां पे आपकी वॉइस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते ईयरबड्स, आप ईयरबड्स अपनी वॉल्यूम को कम कर लेते हैं 20-30% पर आ जाते हैं। आई फील बैच बैकअप एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है इन ईयरफोन्स का, इंडिविजुअल ईयरबड्स 10 आवर का बैच बैकअप प्रोमिस करते हैं एंड इंक्लूडिंग केस 40 आवर का बैच बैकअप मिलेगा, बट प्रैक्टिकली हिसाब से 10 घंटा नहीं दे पाते एक्चुअल में, ये 6-7 आवर के बीच में आपको बैटरी बैकअप दे सकते हैं अगर आप इसको मैक्स कैपेसिटी भी यूज करते हैं लाइक ANC इनेबल है, मैक्स वॉल्यूम है वगैरह वगैरह आप यूज करेंगे तो बैटरी थोड़ा सा स्ट्रगल करती है एंड एक्चुअल जो क्लेम है वहां पे नहीं पहुंच पाती, बट स्टिल 6-7 आवर इज अ गुड नंबर। कंपेटिटर यहाँ पे 6 माइक्रोफोन तक का सपोर्ट देते हैं बट यहाँ पे क्वाड माइक्रोफोन है
एंड एज आई टेस्टेड इट लाइक आई फील इट्स गुड बट नॉट द बेस्ट. बेस्ट तो भाई सिक्स माइक्रोफोन है या फिर वाइड ईयरफोन आप यूज कीजिए, वो आपको बेस्ट देंगे. ये मैंने से भले आप चाहे एक्सट्रीम कंडीशन में भी हो, सामने वाला आपको सुन पाएगा. ज्यादा जोर लगा के बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नॉर्मली भी बात करेंगे तो भी आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी. ये गाइस JBL के NC235 एंड इनका माइक्रोफोन हम टेस्ट करें आउटडोर कंडीशन में. कुछ इस टाइप के आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगी अगर आप मिड नॉइस में हैं. एंड यहाँ पे ANC का सपोर्ट भी है जो कि डिसेंट वर्क कर लेता है, बट उतनी हाई क्वालिटी वाला ANC प्रोवाइड नहीं किया है. बट लेट मी नो अबाउट द माइक्रोफोन. दैट व्हाट आई फेल्ट इन द लॉन्ग टर्म. JBL ने अपने एप्लीकेशन में यहाँ पे सपोर्ट दिया है जिसको यूज करके आप एयरबड्स को कुछ हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं, बट बेस्ट कस्टमाइजेशन यहाँ पे नहीं मिलती. नाउ फॉर द सेक ऑफ गेम, जो लोग गेम खेलते हैं या फिर ट्राई आउट करना चाहते हैं, भाई कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हैं क्योंकि JBL कोई क्लेम नहीं करता आपको 94, 88, 60, 50, 40 ms कुछ भी यहाँ नहीं बोलता. एंड फेक मार्केटिंग एटलीस्ट नहीं की हुई, बट या अगर आप ट्राई आउट करते हैं गेम तो गेम खेलने में दिक्कत नहीं होगी. कैजुअल गेमिंग के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट है बिकॉज सेपरेशन यहाँ पे अच्छे रखे गए. तो आई विल से इट्स वे बेटर देन योर 60 ms लेटेंसी जहाँ पे सेपरेशन अच्छे नहीं है, उनसे तो बेटर रिजल्ट ये डिलीवर करते हैं. तो अब मैं ये रिव्यू क्यों ला रहा हूँ, भाई 6 महीने उसके पहली बार इनको यूज करते हुए 5000 के अंदर ये काफी अच्छे फोन है. इनिशियली जो लॉन्च प्राइस था समवेयर अराउंड 6000 rupees था, बट अभी के लिए ये आपको 3500 rupees में भी मिल सकते हैं. सेकेंड चीज, इनका अपग्रेडेड वेरियंट 245 ANC आ रहा है जो कि प्राइम डे पे आपको देखने को मिल जाएगा. एंड अगर आपको अभी के लिए बेस्ट डील चाहिए देन या यू कैन ग्रैब दिस. एंड बाकी जो चीजें आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, अगर आपने JBL के प्रोडक्ट टेस्ट किए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो मैं सुनना चाहूंगा डेफिनेटली. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.